Say thank you to Santa. Say thank you. तो हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, मैं स्नान धो के तैयार हो गए हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं मेरी सिस्टर जो अभिलाषा है उसके स्कूल में फंक्शन है क्रिसमस का, क्योंकि क्रिसमस भी आ रहे हैं एक दो दिन के बाद, तो अभी क्रिसमस की छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो स्कूल में अभी जो है फंक्शन रखा हुआ है उन्होंने क्रिसमस का, तो जो बच्चे हैं सारे वहाँ पर मिल के क्रिसमस डे की कुछ सेलिब्रेशन और प्रोग्राम वगैरह होगा, तो उन्होंने हमें भी इन्वाइट किया है सिस्टर ने, अभिलाषा ने, कि आप भी आइए स्कूल में, क्योंकि अभी आरोही भी स्कूल में लगाएंगे तो देखेंगे स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा रहता है। तो अभी हम जा रहे हैं स्कूल में, तो चले फिर निकलते हैं यहाँ से, चले फिर, चलो चलो चले गए, मिलते हैं फिर फंक्शन में। तो गाइस देखिए, फाइनली जो है पहुंच चुके हैं हम स्कूल। Say thank you to Santa. Say thank you. देखिए गाइस, आते ही आरोही का स्वागत यहाँ पे सेंटा क्लॉज से हुआ है। Let's have one photograph, right? हमारे सेंटा जी हैं। चलो। तो गाइस देखिए, फाइनली हमें जो है अभिलाषा देखिए मिल चुकी है। अभिलाषा की ड्रेस है, देखिए यहाँ का कोड है कि साड़ी पहनते हैं यहाँ पे। वो स्कूल का अभी आपको टूर देंगे। स्कूल जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है जहाँ तक हमने अभी देखा। देखिए अभी ये एग्जीबिशन हॉल में पहुंचे अभी। ये बच्चों ने बनाया है सारा। देखिए गाइस, बच्चों की यहाँ पे टैलेंट कितना, बच्चों को सिखाया जाता है यहाँ पे। देखिए लंग्स का बनाया हुआ है पूरा। देखिए गाइस, आपको क्लोजली दिखा देता हूँ। देखिए कितना बारीकी काम किया हुआ है सभी पे। ये देखिए, ये कितना अच्छा बना हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छा, मतलब लंग्स दिखा दिए मैंने लंग्स दिखा दिए। तो गाइस देखिए, यहाँ पे काफ़ी ऐसी क्लासेस है जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे एग्जीबिशंस लगाए हुए हैं बच्चों के टैलेंट को, देखिए निखारने की कोशिश की गई है ऐसे छोटे छोटे एग्जीबिशंस लगा के। ये देखिए कितना प्यारा पार्क बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए बच्चों को बिजी रखते हैं ऐसे छोटे छोटे, उनके टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हेलो, वाह देखिए कितना वार्म वेलकम, देखिए कितना वार्म वेलकम किया इसकी ओर से बच्चे ने। देखिए एक और एग्जीबिशन हॉल आ गया यहाँ पे। अच्छा ये क्या क्रिसमस डे पे करते हैं या एनुअल फंक्शन क्या है? नहीं, दिस इज अ क्रिसमस डे सेलिब्रेशन ओनली। क्रिसमस डे नहीं मनाया, उसकी जगह ये एग्जीबिशन किया था। अच्छा, तो उन्होंने एग्जीबिशन लगा के ही क्रिसमस डे जो है उसको सेलिब्रेट किया। ये हॉस्टल है गाइस, देखिए हॉस्टल है यहाँ पे, स्कूल का ही अपना हॉस्टल है। देखिए यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। ये देखिए अभी इसमें पानी तो नहीं है। वहाँ पे लाइब्रेरी, इंडोर गेम्स, जिमनेजियम, तैरना सिखाया जाता है बच्चों को। तो गाइस काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ यहाँ पे जो है बच्चों को करवाई जाती है।
ताकि बच्चा जो है आगे कंपटीशन के लिए तैयार हो सके, बच्चा तैयार हो सके यार जैसा। मैंने जी भी कुछ बोले, मैं क्या बोलूं, मेरे को काफी अच्छा लगा स्कूल, अच्छा है ना, बहुत अच्छा है ना, से इंफ्रास्ट्रक्चर। गाइस देखिए ऐसे बड़े-बड़े जो स्कूल्स होते हैं उनमें बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट करवाई जाती है, तभी जो है कंपटीशन इतना ज्यादा टफ होता जा रहा है कि बच्चों का देखिए यहीं से जो माइंडसेट है उनका जो लेवल है इतना इंक्रीज कर दिया जाता है कि वो आगे हायर कंपटीशन के लिए तैयार हो सके। शेरी के लिए अच्छा है ना ये स्कूल का। हेलो मैम। हेलो सर। हाय ब्रदर। या माय गॉड। हेलो। से हाय। हेलो। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड फॉर मैम। शी इज माय बेस्टेस्ट फ्रेंड। तो गाइस देखिए यहां पे अभिलाषा की बेस्ट फ्रेंड मिली। इसका नाम आरुही। आरु। से हाय। हाउ आर यू? फाइन। दो बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं, एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई जादू सा है कुछ सवा मैं, झंझट से दूर हूँ पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना कुछ अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया, रहने दो या जाना मुझे घर नहीं, इनको विचारों की है जड़ वही, ये जो चमकी तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है, वो जो गरीब पास नहीं हम गरीब बात नहीं फिर भी जीत चारी ए, अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात, इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाल, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने। देखिए अभिलाषा भाई बोल रही है वहां से, बोले की अभिलाषा की ड्यूटी लगी हुई है तो वो जा रही है हमें छोड़ के। हेलो करो। गाइस अभी तो कैंटीन में आया हम कुछ खाने के लिए, तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है खाने के लिए। अभी हमने थोड़ा सर्च किया तो ये देखिए छोले भटूरे मिले यहाँ पे, टेस्टी नया नया स्टार्ट कर दिए, टेस्टी। देखो रोहित ने यहाँ पे देखिए, अरे दिखाओ आपने के लिए, देखिए उन्होंने जूस लिया बहुत अच्छा लगा। देखिए गाइस रोहित बोल रहे हैं स्कूल बहुत अच्छा लगा, ये चले फिर रोहित चलो घर जाना है। तो गाइस देखिए अभी हम किसी तक के आ चुके हैं स्कूल, और स्कूल जो था बहुत ही अच्छा था। अब लास्ट की तो ड्यूटी लगी थी तो इस वजह से वो तो बच्चों के साथ बिजी हो गई थी, तो हमने तो लंच वगैरह किया उसके बाद फिर हम फ्री होके अब जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि पूरा स्कूल विजिट कर लिया, कुछ था नहीं यहाँ पे। तो गाइस देखिए अभी हम घर पहुँच चुके हैं, देखिए और देखिए मम्मा यहाँ पे हमारा वेट कर रहे थे, देखिए यहाँ पे दादी जो है धूप का आनंद ले रही है, यहाँ पे सोए हुए हैं मम्मी यहाँ पे। मम्मा आप कहाँ थे? तो गाइस देखते हैं आज खाने में क्या बनाए, तो देखिए यहाँ पे क्या है, चने, देखिए चने की सब्जी बनाई है और चपाती की भी तैयारी हो रही है, चपाती बनाओगे आज? भुर्जी बनाई है मेथी और आलू की। देखिए इधर और मम्मा क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए मम्मा ने यहाँ पे गाजर का अचार बनाया है, देखिए खुद होममेड, लेकिन नहीं तो हम दुकानों से खरीद के खाते हैं, लेकिन मम्मी ने अपना खुद ही बना दिया ना मम्मी अपने घर में। कितनी गाजर लाए थे आप? चार किलो। देखिए चार किलो गाजर, बस सही निकली चार किलो, साढ़े क्या क्या डाला क्या क्या डाला फिर इसमें? चार पहले तो सबसे पहले जो गाजर है उसे काटा, गाजर को धोके काटा, फिर सुखाई, दो धूपे लगाई इसको, उसके बाद थोड़ा सा अदरक मिर्च बीच में से कट के बनाई जैसे आदि कट के करी, फिर उसमें नींबू भी रखा हुआ हमने, नींबू बीच में चोड़ना, राई डाल दी और हींग का तुड़का लगाया। कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? मेथी और अजवाइन को रोस्ट किया मैंने, मेथी और अजवाइन। कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? 20 केस में डाल देते हैं। अभी अभी खा सकते हो? अभी खा सकते हैं, दो दिन में हो गए तैयार है। देखो नहीं दो तीन दिन लग जाएंगे, खा सकते हैं अभी, हमने अभी बनाया एक घंटा हुआ अभी, और अभी खा सकते इसको। अभी नींबू भी तो निचोड़ना है, अभी नींबू निचोड़ना, जब ठंडा हो जाएगा अभी ठंडा नहीं हो।
चलिए गाइस देखिए मम्मा ने यहाँ पे होममेड अचार बना दिया देखिए। तो गाइस खाना पीना खा के फ्री हो चुके हैं तो अभी जस्ट रेस्ट करेंगे सो जाएंगे। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, जैसा कि आपने देखा कि हम स्कूल गए हुए थे फंक्शन के लिए और वहाँ पे जाके हमारा पॉपअप हो गया कि हम वहाँ पे पहुँचे और फंक्शन ही ख़त्म हो चुका था, लेट हो गए थे काफ़ी तो फंक्शन हम आपको नहीं दिखा पाए। तो ये एक था एक वीक पॉइंट, बाकी तो जो था हमने शूट कर ही लिया। तो गाइस ठीक है आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। तो गाइस देखिए आरोही ने तो कपड़े चेंज करके देखिए यहाँ पे जो अपने गॉगल्स लिए थे उनको लगाने की कोशिश कर रही है ना रोही। मेरे लगाओ, चलो आ जाओ देखिए। क्यों